अस्सलाम वालेकुम। उज़्मा हेल्थ सेंटर में तमाम देखने वालों और सुनने वालों को खुश आमदीद। नाजरीन, आज मैं लार्ज ओपन पोर्स या स्मॉल ओपन पोर्स को ख़त्म करने के हवाले से आप दोस्तों की खिदमत में एक ऐसी देसी हर्बल टिप्स लेकर हाजिर हुआ हूं जो कुदरती अज्जा से तैयार करता है और आपके ओपन पोर्स को बहुत ही जल्दी से क्लीन करती है और आपकी स्किन को स्मूथ बनाती है। नाज़रीन, ये ओपन पोर्स खत्म करने का बहुत ही अच्छा सीजन है क्योंकि सर्दियां आने वाली हैं। इन दिनों अगर आप ये रेमेडी इस्तेमाल करेंगे तो यकीन जाने आप लार्ज या स्मॉल ओपन पोर्स को जड़ से खत्म कर सकते हैं और अपनी स्किन को नीट एंड क्लीन और स्मूथ बना सकते हैं। नाज़रीन, जो दोस्त जो बहनें ये चाहती हैं कि चंद ही दिनों के अंदर उनके लार्ज ओपन पोर्स या स्मॉल ओपन पोर्स चंद ही दिनों के अंदर खत्म हो जाएं और उनकी जो स्किन है वो बिल्कुल स्मूथ हो जाए, तो इसके लिए हमारी इस वीडियो को मुकम्मल वॉच करें। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के निशान पर जोर देकर हमारी चैनल के अपडेट्स पहले पाइए। वेलकम बैक टू उज़्मा हेल्थ सेंटर। जी हां नाज़रीन, इन नेचुरल चीजों से तैयार करदा एक पैक है जो फेस पर अप्लाई करने से आपके लार्ज ओपन पोर्स और स्मॉल ओपन पोर्स को बिल्कुल चुटकियों में गायब कर देता है और आपकी स्किन को सिल्की और स्मूथ बनाता है। नाज़रीन, नुस्खा शुरू करने से पहले मेरी तमाम व्यूअर से पर्सनल गुजारिश है कि जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल उज़्मा हेल्थ सेंटर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो उन दोस्तों से मेरी गुजारिश है कि नीचे दिए गए लाल कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और साथ ही खड़े घंटे के निशान पर जरूर जोर दें ताकि नई आने वाली अपडेट्स आप दोस्तों को बरवक्त मिलती रहें। तो नाज़रीन, चलते हैं अपने नुस्खा की जानिब, अज्जा नोट फरमा लें। नाज़रीन, सबसे पहले अपने खाली बाउल में एक चम्मच पिसी हुई मुल्तानी मट्टी डालनी है, यानी कि मुल्तानी मट्टी का पाउडर डालना है। उसके बाद इसमें दो चम्मच टोमेटो जूस यानी कि टमाटर का रस इसके अंदर ऐड करना है। और इसमें जो तीसरी चीज इस्तेमाल की गई वह है दही। आपने दो चम्मच दही के इसके अंदर डालने हैं। और जो आखिरी चीज इसमें इस्तेमाल की गई वह है अंडे की सफेदी। आपने दो चम्मच अंडों की सफेदी इसके अंदर डालनी है और इन्हें अच्छी तरह से आपने मैशअप करना है, यानी कि मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद किसी ब्लीचिंग ब्रश की मदद से अपने फेस पर इसे अप्लाई करना है। जब यह हल्का सा खुश्क हो जाए तो आपने दूसरा कोट फिर से अप्लाई करना है। नाज़रीन, जब यह सूख जाए तो 10-15 मिनट बाद आपने इसे धो लेना है। यकीन जाने सिर्फ एक या दो बार इस्तेमाल से आपके ये लार्ज ओपन पोर्स या स्मॉल ओपन पोर्स बिल्कुल खत्म हो जाएंगे और आपकी स्किन बिल्कुल सिल्की और स्मूथ नजर आना शुरू हो जाएगी। नाज़रीन, मैं ये रेमेडी आप तमाम व्यूअर्स को रिकमेंड करता हूं कि आप ये जरूर इस्तेमाल करें। इस वीडियो के लिए सिर्फ 200 लाइक्स आपको रिकमेंड करता हूं ताकि इससे जो आगे मैं नई वीडियोस ब्यूटी टिप्स के लिए या हेल्थ के लिए लेके आऊं वो बहुत ही उम्दा और आला हो। तो नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूं मेरी आज की ये देसी हर्बल टिप्स जो कि लार्ज ओपन पोर्स और स्मॉल ओपन पोर्स को बिल्कुल खत्म करने के हवाले से थी। जिन दोस्तों को मेरी ये होम रेमेडी पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कॉमेंट जरूर कीजिएगा और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल उज़्मा हेल्थ सेंटर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो उन दोस्तों से मेरी गुजारिश है कि नीचे दिए गए लाल कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और साथ ही खड़े घंटे के निशान पर जरूर जोर दें। अगर दोस्तों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट भी जरूर करें ताकि नई आने वाली अपडेट्स आप दोस्तों को बरवक्त मिलती रहें। तो नाज़रीन, फिल वक्त मुझे इजाजत दीजिए, मिलते हैं अगली ब्यूटी टिप्स के साथ, अगली देसी हर्बल टिप्स के साथ। अल्लाह हाफिज, शुक्रिया।